आज 10th CBSE का पेपर, बच्चों से पूछते हैं रिएक्शन। बेटा कैसा रहा पेपर आज का? पेपर आज का बहुत लेंदी था। मेन प्रॉब्लम थी सेंटर में जो टीचर थी। जी जी। उन सेंटर के रूम्स में वॉच नहीं है, तो हम लोग को भी वॉच अलाउ नहीं थी, तो हम वॉच लेके नहीं गए थे। तो इसके चलते हमें टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो गया। हमें एक घंटा बोल के लास्ट में 20 मिनट का टाइम मिला था। ओ, 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 जिसके चलते हमारा पेपर काफी छूटा। तो लास्ट में आपको समय नहीं दिया गया? जी नहीं दिया गया। ये तो बहुत बुरी बात है यार, लास्ट में उनको समय देना चाहिए था। आपका क्या राय है बेटा पेपर के बारे में? सर बहुत ज़्यादा लेंदी था पेपर और हमारे कई क्वेश्चन छूट भी गए। और मैम यहाँ की तो जो आपने पढ़ाई किया था, क्या उससे जो उम्मीदें हाँ, थी वैसा पेपर था? वैसा ही है, पर थोड़ा लेंदी था। हाँ, जैसा सोचा था गया था वैसा तो नहीं। नेक्स्ट साल बच्चों के लिए कोई सजेशन कि पेपर कैसा हो उनके पढ़ाई के लिए, कुछ भी मोटिवेशन? बस पढ़िए और पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बेटा, आपका कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा गया, काफ़ी इजी आया था। जितना हाँ। पढ़ी थी उतना ही आया था। एनसीईआरटी से ज़्यादा कंटेनिंग था और बाकी एस टेंथ के बुक से था। सिंपल आया था। सिंपल था हाँ। यानी जो बच्चे पढ़े थे उनके लिए सही था? हाँ, अच्छे से अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और फिर अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो यानी कि समय का मैनेज करना जरूरी हाँ, है। टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस थे काफी लेंदी था, बट टाइम मैनेज करो तो आराम से हो जाना था 15 मिनट्स के पहले। ओके ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सर।